की पहली क्लास है? यस सर। ओके ठीक है। देखिए लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास या इससे पहले जो भी क्लासेस हमने देखी है वो बेसिकली आपके हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री को हमने देखा है ना। अलग अलग पार्ट में, अलग अलग खंडों में तोड़ के हमने मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा, फ्रॉम 1857 सिपाही विद्रोह से लेके जब तक हम आजाद नहीं हुए तब तक की बातें अभी तक के लास्ट क्लास में हमने आपके साथ मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में की है। आज या आज के बाद की जो फर्दर क्लासेस होगी वो आपके हिस्ट्री की ही होगी, बट वो एंशियंट हिस्ट्री की होगी। तो आप समझ लें कि ये आपके लिए बिल्कुल फ्रेश क्लास है, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आपसे 3 से 4 मार्क्स आपसे पूछे आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से 5 से 6 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे आते थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात हमने ऑलरेडी कर ली है, जिनका छूट गया हो वो आपके सर के यूट्यूब के चैनल पर जाके उस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री की पहली क्लास, तो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर एंशियंट हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है, हम पढ़ेंगे कैसे और किन किन चीजों को हम समझते हुए अपने एग्जामिनेशन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के ओरिएंटेशन में हमें पढ़ना है। हमें कोई इतिहास का फादर, मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री नहीं बनना है, पूरे इतिहास को जानना जरूरी नहीं है, उतना चीज हमें जानना है जितने से हमारे एग्जामिनेशन का पर्पस सॉल्व हो जाए और हमारी रिजल्ट निकल के सामने आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस बता देता हूँ कि सिलेबस क्या है, उसके बाद आज की पहली टॉपिक पे हम बात करेंगे। देखिए एंशियंट हिस्ट्री की जो पहली बात होगी वो आपके फर्स्ट सिविलाइजेशन की हम बात करेंगे, दैट इज आईवीसी। इसी आईवीसी को दूसरे शब्दों में हमने जिस नाम से जाना, दैट इज हड़प्पा सिविलाइजेशन, और आईवीसी को जो फुल फॉर्म है दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदी में हम इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। ये हमारी आज की टॉपिक भी है और ये एंशियंट हिस्ट्री की पहली क्लास भी है आपकी। पहला हड़प्पा सिविलाइजेशन, इस हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद की जो कड़ी होगी जिसपे हम नेक्स्ट संडे संभवतः बात करेंगे, दैट इज वैदिक सिविलाइजेशन, वेदों की जो सभ्यता है, देवताओं की जो सभ्यता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पुराण हो, अरण्यक हो, महाकाव्य हो, ये सारी बातें हम वैदिक सिविलाइजेशन में करेंगे। फिर हम आपके उस धर्म की बात करेंगे, जो धर्म और जिस धर्म को जन्म देने वाले का नाम आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है वो है महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध के द्वारा स्थापित उनके बौद्ध धर्म को हम देखने की कोशिश तीसरे पार्ट में करेंगे। उसके बाद फिर से हम रिलीजन में ही रहेंगे और महावीर जैसे 24वें तीर्थंकर की बात हम जैन धर्म में करेंगे। यहां से आगे हम जब चलेंगे तो हम महाजनपद की बात करेंगे। देखिए अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर लिख क्या रहे हैं, आप सिर्फ सुन के रखे कि ये चीजें हमें पढ़नी है, ये सिलेबस है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस दिन हम इस टॉपिक में आएंगे ऑटोमेटिक सारी बात आपको क्लियर होते चली जाएगी। बस फर्स्ट ये क्रोनोलॉजी आप जान ले, क्योंकि यही वो रफ्तार होगी जिस रफ्तार से हम बढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। पांचवा जो होगा वो महाजनपद होगा। महाजनपद कहने का मतलब, जैसे आज आपके इंडिया में 28 स्टेट हैं, तो वैसे ही उस समय 16 महाजनपद थे। उस 16 महाजनपदों को हम देखने की कोशिश करेंगे कि मगध महाजनपद है, काशी महाजनपद है, तो कितने महाजनपद है, उनकी राजधानियां क्या है। फिर हम उस डायनेस्टी में आएंगे जिस डायनेस्टी से आने से पहले ही कुछ छोटे छोटे और बेसिकली 3 ऐसे डायनेस्टी थे जिनका एस्टैब्लिशमेंट हो गया था बट मौर्य से पहले, इस कारण से हमने नाम दे दिया प्री मौर्य डायनेस्टी। हम हिरण्यक वंश को देखने की कोशिश करेंगे, हम नंद वंश को देखेंगे, हम नाग वंश को, 3 वंश को यहाँ पर देखेंगे। फिर हम पहले वंशानुगत वंश में प्रवेश करेंगे, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार जैसे बड़े नाम को हम मौर्य डायनेस्टी में देखने की कोशिश 323 ईसा पूर्व में हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आपके कड़ी में जैसे प्री था मौर्य से पहले ही, वैसे ही पोस्ट आएगा मौर्य के बाद, तो पोस्ट मौर्य डायनेस्टी को हम देखेंगे। इसमें छोटे छोटे वंश थे, सातवाहन है, सुंग है, कलिंग का चेदी है, ये सारे वंश हैं। और अंत में हम आपके स्थापत्य कला के गोल्डन एरा पे आएंगे और जिस डायनेस्टी को हम देखेंगे वो बेसिकली आपकी गुप्त डायनेस्टी होगी। विक्रमादित्य को हम देखेंगे, समुद्रगुप्त को हम देखेंगे, श्रीगुप्त को देखेंगे और इस पूरे एंशियंट हिस्ट्री को हम खत्म करेंगे। आज इस पूरे टॉपिक में पहली टॉपिक की बात हम करेंगे, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरी बात, अगर कोई नए हैं क्लास में जिनकी आज पहली क्लास हो तो 1 मिनट के अंदर पेन और आप नोटबुक जरूर ले लें, क्योंकि जो जो मैं बोलता हूं उस चीजों को आप लिखें। जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको कल याद रहेगा नहीं। हिस्ट्री यही है कि रात में पढ़िएगा
और सुबह में साफ हो जाएगा। तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट बनाना है आपको, जो चीजें मैं बताऊंगा वो पेन डाउन करना पड़ेगा। शुरुआत करें, ये समझ में आया आपको सिलेबस? इसमें से कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हो मेरे को कि सर ये क्या बोला, मेरे को समझ में नहीं आया। सब समझ में आया किसी को? यस और नो? सर एक बार वापस से रिपीट कीजिए ना। किस चीज को रिपीट करूं वो बताइए सर। किस चीज को रिपीट करूं? जब आपने सिविलाइजेशन के ऊपर बोले कि हम ये चीज पढ़ेंगे, तो एक्चुअली वीडियो आपकी मैं दिखा देख नहीं पाया था, तो वो स्क्रीनशॉट लेने में भूल गया था ऐसा। आपकी पहली क्लास है ना? यस सर। ठीक है, मैं बताऊंगा कि वीडियो कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? चलो मैं शुरुआत करूँ आज की क्लास की। जब तक आप नोट नहीं करेंगे पता ही नहीं चल रहा ना आवाज आ रही है कि नहीं। पूछूं तो बोले कोई कि यस सर, है ना? तो मुझे समझ में आ गया कि वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, आपको समझ में आ रही है। चले शुरुआत करते हैं हम आपकी पहली क्लास की। पहला टॉपिक क्या है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। जब तक मैं बोलू नहीं तब तक आप लिखे नहीं, ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कोई है, कोई अगर सिविलाइजेशन है तो वो इसी नाम से हम जानते हैं, वो नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिंदी में हम इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और दूसरा अगर आप नाम बोले तो हड़प्पा सिविलाइजेशन भी सही है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आप बोल सकते हैं। भारत की सबसे प्राचीनतम सिविलाइजेशन है, ये सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। किसी भी वैसे वस्तु जिसका हमें एज मालूम करना है, सपोज जो वो चेयर रखा हुआ है, तो चेयर आखिर कितने साल पुराने का है, 50 साल पुराना है, 100 साल पुराना है, तो उसके लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं वो मेथड बेसिकली C14 मेथड है। आपने जरूर 9th-10th में पढ़ा होगा। कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पे हमने ये मालूम किया कि ये जो सिविलाइजेशन है ये 2350 BC 2350 BC BC और AD क्या है ये मैं बताऊंगा, है ना? ईसा मसीह के जन्म से पहले की बातें हम BC बिफोर क्राइस्ट के रूप में याद रखते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के दिन को बेंचमार्क मानते हुए उनके बाद के दिनों को हम AD एनियो डोमिनो के नाम से याद करते हैं। तो अभी पूरी की पूरी जो आपकी एंशियंट हिस्ट्री चलेगी वो BC में ही चलेगी। द फुल फॉर्म ऑफ BC इज बिफोर क्राइस्ट। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कार्बन 14 डेटिंग के आधार पे आपकी जो IVC है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसका जो एज हमने निर्धारित किया कि कितने साल पुराना का है, तो वो जो निकल के हमारे पास हिस्टोरिकल फैक्ट सामने आए वो था 2350 से लेके 1750, 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व की सारी घटनाएं आपके इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगी। आप अगर छोटे मोटे बुक या गूगल पे देखेंगे तो हो सकता है कहीं पे आपको दिखे 2400 से 1600, 2200 से 1500, बट वैसे ही फैक्ट आपको अपने एग्जामिनेशन के अप्रोच में याद करनी है जो आपके NCERT में लिखा हुआ है। तो जो बातें NCERT में लिखी हुई है वही बात मैं आपके बोर्ड पे लिखूंगा और वही बात मैं आपके साथ जिक्र भी करूंगा। तो मैंने एज बताया है 2350 से लेके 1750। जिस चीज पे फैक्ट ये बेस बताया है वो बताया है कार्बन डेटिंग पॉलिसी पद्धति, और ये भी बताया कि ये सबसे प्राचीनतम सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन आपके इंडिया की है। दूसरी बात आप जाने कि ये जो सिविलाइजेशन थी, इस सिविलाइजेशन में इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी अगर नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या, है ना? तो इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमी हमने जो बोला वो बोला कि इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। जैसे आज की हमारी इकोनॉमी क्या है, तो हमने अलग अलग पार्ट में बांट दिया कि प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है। टर्सरी में आपके सर्विसेज आते हैं, सेकेंडरी में आपकी मैन्युफैक्चरिंग आते हैं, प्राइमरी में आपके एग्रीकल्चर और फिशरीज आते हैं। तो उस समय सेकेंडरी और टर्सरी की तो कोई बात थी ही नहीं। इस कारण से जो हमारा इकोनॉमी का केंद्र था वो क्या था, तो कैटल फार्मिंग नहीं था, पशुपालन नहीं था। पहला ही चॉइस आपको पशुपालन कैटल फार्मिंग के रूप में देखने को मिलेगा, और सही आंसर आपका एग्रीकल्चर होगा कि हम एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है उसको उपजाते हैं, और उसी के आधार पर हड़प्पा की पूरी सिविलाइजेशन आगे चलती है। उसके बाद आप जाने किसी भी हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास अलग अलग, जब तक साक्ष्य नहीं रहेंगे, आज हम कैसे बोलते हैं कि हमारे पास 1857 की लड़ाई हुई या प्लासी का युद्ध हुआ या बक्सर का युद्ध हुआ, कुछ तो फैक्ट होंगे हमारे पास। वैसे ही आखिर ये प्राचीनतम सभ्यता जो बिफोर क्राइस्ट है, इसको जानने के लिए सोर्स हमारे पास क्या थे।
तो किसी भी इतिहास, किसी भी हिस्टोरिकल फैक्ट को जानने के लिए तीन सोर्स होने चाहिए, तीन में से कोई भी ईदर ऑफ द सोर्स होने चाहिए. वन इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल फैक्ट. आर्कियोलॉजिकल फैक्ट को हिंदी में हम पुरातात्विक की सोर्स कहते हैं. आर्कियोलॉजिकल का मतलब कि आपका कोई हमें ब्रिक्स मिल गया, ईंट मिल गए, कोई पत्थर मिल गई, कोई भवन मिल गया, कोई इमारत मिल गई, कोई सिक्का मिल गया, कोई स्टैंप मिल गया, तो वैसी टचेबल थिंग्स जिसको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स के नाम से जानते हैं. दूसरी जो सोर्स है वो है लिटरेरी सोर्स. लिटरेरी सोर्स का मतलब है कि कोई भी ऐसी बुक जो लिखी गई हो, बाद में हमने रेफर किया हो, जैसे वेद है ना, ऋग्वेद है, सामवेद, ये सब लिटरेरी सोर्स है. ये सब लिखा गया है किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा और बाद में हमने उसको रेफर किया है. और थर्ड जो है वो है फॉरेन विजिटर. कोई इतिहासकार दूसरे देश, चाइना से या किसी भी देश से आपके इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया के कंडीशन को देखते हुए कोई बड़ी बुक लिख दी, जैसे मेगास्थनीज आपके इंडिया में आया था, इंडिका जैसी बड़ी बुक लिख दी, फाहियान आपके इंडिया में आया था, फोहोको जैसी बड़ी बुक लिख दी. कहने का मतलब ये है कि इतिहास को जानने के लिए तीन सोर्स में से कोई एक सोर्स होने चाहिए. इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानने के लिए हमारे पास ना तो लिटरेरी सोर्स मौजूद थे, इसका मतलब ना कोई किताबें थी, ना कोई फॉरेन विजिटर्स के द्वारा लिखी हुई कोई किताबें थी, सिर्फ एकमात्र सोर्स था, वो था आर्कियोलॉजिकल. और आर्कियोलॉजिकल में भी क्या क्या हमारे पास रुपया था, क्या हमारे पास पत्थर मिले, भवन मिले, इमारत मिली, नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं मिला. हमारे पास सिर्फ एक और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स का एग्जाम्पल है, वो है स्टैम्प, मुहर. जो आज आप स्टैम्प देखते हैं, उसी स्टैम्प को देख के इतिहासकारों ने इस बड़े सिविलाइजेशन की खोज की और ये बताया कि ये सिविलाइजेशन इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है. 2350 से 1750. इकोनॉमी का बेस मैंने बता दिया, साक्ष जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो स्टैम्प है, वो भी मैंने बता दिया. क्या इस सिविलाइजेशन में हम लिख सकते थे? अगर आपने लिख दिया तो क्या उसको कोई और व्यक्ति पढ़ सकता था? मतलब कहने का मतलब जो स्क्रिप्ट था वो रीडेबल था या नॉन रीडेबल था? तो स्पष्ट शब्दों में आप जाने कि स्क्रिप्ट वॉज नॉन रीडेबल. जैसे आज हम और आप लिखते हैं तो कोई भी पढ़ सकता है क्योंकि कॉमन लैंग्वेज है. उस समय कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, उस समय जो स्क्रिप्ट थी वो नॉन रीडेबल थी. और नॉन रीडेबल कहने का मतलब, जैसे अभी हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर आते हैं और फिर हम लेफ्ट से राइट की ओर आते हैं, तो अभी एल से आर और एल से आर है. उस समय की जो स्क्रिप्ट थी वो नॉन रीडेबल थी, लेफ्ट से राइट की ओर हम लिखते थे और फिर राइट से हम लेफ्ट की ओर लिखते थे, है ना? तो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, ये आपके लिखने का, स्क्रिप्ट को लिखने का कला था जो पठनीय नहीं थी, नॉन रीडेबल थी. क्या बनेगा, खजाना बनेगा? नहीं, खजाना नहीं बनेगा, पहले मेरी बात सुन लो. हाँ. बाद में खजाना बनाना. किसकी आवाज आ रही है? माइक म्यूट कीजिए, जितनी बार मैं बोलता हूं उसको सिर्फ सुनते रहिए. अगर कोई अदर एंगेजमेंट है तो आप क्लास को छोड़ के या फिर म्यूट करके जा सकते हैं, है ना? उसके बाद क्या बोल रहा हूं, तो मैंने बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ये जानने के लिए सोर्स हो गई. इतनी आप बातें जान लें. अभी का जो हमारा समाज है, आज की जो हमारी सिविलाइजेशन है, आज जिस समाज में हम और आप रहते हैं, इतिहास के किसी भी जो भी साक्ष्य है उनसे ये नहीं पता चला कि इस हड़प्पा में गांव भी है. जैसे आज का हमारा समाज है उसमें गांव भी है, मतलब मोर देन 60% पॉपुलेशन अभी भी गांव में रहती है. बट हड़प्पा की जो साक्ष्य हमारे पास सामने निकल के आई, उसमें गांव का साक्ष्य हमें कहीं से नहीं मिला था. इस कारण से हमने बोला कि हड़प्पा वॉज ए अर्बन सिविलाइजेशन. हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता है. जितनी बात मैं बोल रहा हूं उतनी बात मैं लिखूंगा भी, उसके बाद ही आप लिखिएगा. और आखिरी बात आप सुने,
हड़प्पा के किसी भी साक्ष से हमें दूर दूर तक लोहे का ज्ञान नहीं मतलब मिला है, मतलब लोहा उस समय यूज नहीं किया जाता था, इस कारण से हमने बोला कि हड़प्पा वॉज ए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस युगीन सभ्यता है। इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आई होगी, वन बाय वन करके आप लिखेंगे भी मेरे साथ साथ, है ना, समझ में आया। किसी को भी पूछना है तो पूछो मेरे से, लिखो। सर बीसी का फुल फॉर्म बताइए ना एक बार। सब बताता हूँ, समझने में अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना, लिखने की बात में बताऊंगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलिए अभी जैसे जैसे मैं लिखता हूँ वैसे वैसे आप भी लिखें, इसमें लिखने में कोई दिक्कत होगा तो मेरे से आप शेयर करें। हेडिंग आप डाल दीजिए आईवीसी, फुल फॉर्म भी आप लिखिए इंडस वैली। इंडस हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंडस एक नदी है, दैट इज सिंधु नदी। हालांकि अभी आज के दिन में इंडिया में उसका बहुत कम भाग, 5% भाग ही जम्मू कश्मीर में बहता है, ये पाकिस्तान की गंगा है ना। तो उस समय हमारे इंडिया पाकिस्तान चूंकि एक ही थे, इस कारण से इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो इसको आप हेडिंग लिख सकते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। पहली बात मैं बोल रहा हूं वो ये है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, इसको आप लिखें फटाफट, है ना, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू C14, द एज ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज इन बिटवीन, ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, वॉज इन बिटवीन 2350 टू 1750, दैट इज बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म को हम बोलते हैं क्राइस्ट, और बिफोर क्राइस्ट तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाएं। जैसे अभी हम क्या बोलेंगे, अभी हम बोलेंगे क्रोनोलॉजी में बोलते हैं कि 1750 से 2350, बस वो उल्टे दौर में आता है, ईसा मसीह का जन्म जीरो और फिर हम इधर से काउंट करेंगे यहां तक आएंगे। तो बेसिकली आपको जानना है कि 2350 2350 से 1750 उसका एज था, एज बेस्ड ऑन C14 मेथड। बीसी का फुल फॉर्म मैंने लिखा है बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद आप जाने कि हमारे पास जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स वो क्या था, तो सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमारे पास ना कोई सिक्का था, ना कोई भवन था, ना कोई ईंट थी, ना कोई इमारत था, ना कोई स्टोन था, हमारे पास सिर्फ मुहर था, दैट इज स्टैम्प। इसको लिखें आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसके आधार पे इतिहास की उत्पत्ति होती है, इतिहास को हम खोजते हैं, वो स्टैम्प था, मुहर। उसके बाद आप जाने कि ये क्या थी, तो आयरन बेस्ड सिविलाइजेशन नहीं थी, क्योंकि आयरन लोहे का ज्ञान हमें कहीं से भी नहीं मिला था, और ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, जैसे हिंदी में हमने कांस युगीन सभ्यता बोला। नेक्स्ट आप जाने कि ये एक फीमेल डोमिनेटेड सभ्यता थी, मतलब पुरुषों का जो बोलबाला था वो फीमेल के कंपैरिजन में कम था, तो फीमेल डोमिनेटेड सभ्यता थी। इकोनॉमी जो थी वो कैटल फार्मिंग पे बेस्ड नहीं थी, इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। द स्क्रिप्ट जो हम लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट जो थी वो नॉन रीडेबल थी। एक बार आपने अगर लिख दिया तो कोई पढ़ नहीं सकता है, वो बेसिकली लेफ्ट टू राइट थी, एल टू आर एंड आर टू एल। जो मैं लिख रहा हूं वो चीजें आपको रिटन फॉर्म में भी मिलेगी, बट यू हैव टू वेट। इस कारण से आप लिखते भी चलें कि स्क्रिप्ट वॉज नॉन रीडेबल, यूजुअली रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। क्या लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट है वो मैंने आपको बता भी दिया है कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहली बार चार्ल्स मिंसन, सुने अभी, ये शायद इनफैक्ट मैंने आपसे बताया नहीं, हड़प्पा अगर सभ्यता थी तो किसी ने तो खोजा होगा इसको, तो ये खोजा है, जिसने खोजा है, जो फाउंडर है उसका नाम मैं बाद में बताता हूं, पहले इस व्यक्ति का नाम जाने जिसका नाम है चार्ल्स मिंसन। इसी ने हड़प्पा एक सभ्यता है को सबसे पहले, वो जब रेल की खुदाई वहां पे कर रहे थे
आपके हड़प्पा में, हड़प्पा बेसिकली एक जगह का नाम, एक साइट है, जैसे अभी आपका गुजरात है ना, आपका महाराष्ट्र है, वैसे ही हड़प्पा भी एक जगह है जो आज के दिन में पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा में जो रेल की खुदाई हो रही थी 1856 में, उसी में चार्ल्स मेंसन ने यहाँ पे एक सभ्यता है इसकी बात बोली थी। लेकिन हड़प्पा का जो खोज है वो जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम था दया राम, दिख रहा है क्या क्या लिख रहा हूं मैं? यस सर। दयाराम सहनी एंड माधव स्वरूप वत्स इन द ईयर 1921, आज से 100 साल लगभग पहले ही हड़प्पा की एक खोज हुई। खोजकर्ता का नाम दयाराम सहनी माधव स्वरूप वत्स है, लेकिन सबसे पहली बार हड़प्पा को फोकस में लाने वाला जो इंसान है वो चार्ल्स मेंसन है इन द ईयर 1856 ओनली। जिस चीज का उत्पत्ति हुआ है उस चीज का विनाश भी होगा, ये तय बात है। तो तय बात में आप ये भी जान लें कि हड़प्पा अगर एक सभ्यता थी, जैसे इसका उदय हुआ वैसे ही इसका क्या हो गया, तो अस्त भी हो गया, और डिक्लाइन होने के कारण अलग अलग जगहों पे अलग अलग थे। मतलब बेसिकली द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस इज द एक्चुअल रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। फिर से बोलता हूं, आपसे अगर पूछा जाए कि हड़प्पा का विनाश किन कारणों से हुआ, ऑप्शन आपके पास है फ्लड, फिर रहे कि आर्यन अटैक, फिर रहे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आंसर इज थ्री, दैट इज वन वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन अगर इतिहासकार का नाम देके आपसे अगर पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू जॉन मार्शल द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इज, उस कंडीशन में आपकी आंसर फ्लड होगी। लेकिन अगर वही जॉन मार्शल की जगह दूसरे इतिहासकार का नाम जॉन व्हीलर के रूप में आपको दिया जाए तो फिर आंसर फ्लड से हटके आर्यन अटैक में पहुंच जाएगा। तो मैं इसके बाद लिखता हूं कि रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा, लेकिन उससे पहले ये सारी बात आप लिखें और लिखने के बाद फटाफट मेरे को बताएं, क्योंकि हड़प्पा एक बड़ा सिलेबस है और आज मुझे खत्म करना है, फटाफट लिखें इसको, और जहां पर नहीं समझ में आ रहा वो मेरे से पूछें क्या लिखा है सर आपने, मैं बताता हूं, फटाफट लिखिए, लिखने के बाद बताओ मेरे को। सर स्क्रीन पे सही से दिख रहा नहीं है एक्चुअली, मतलब बहुत कौन सा नहीं दिख रहा बताइए, बहुत कौन सा नहीं दिख रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन सर, फिफ्थ लाइन 1 2 3 4 फिफ्थ ब्रॉन्ज एज, एंड सर उसके आगे जो लिखा है आपने वो भी नहीं समझ में आ रहा है, ये ना ये लिखो फाउंडर, नेम ऑफ फाउंडर दयाराम सहनी एंड माधव स्वरूप वत्स, फाउंडर लिखिए, फाउंडर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन दयाराम सहनी एंड माधव स्वरूप वत्स इन द ईयर 1921, वेयर एज चार्ल्स मेंसन वाज द, ये बताओ या यही लिख रहे हो अभी, दयाराम सहनी, दयाराम सहनी एंड माधव स्वरूप वत्स, स्वरूप SWARROP, माधव स्वरूप वत्स, यस माधव स्वरूप वत्स, इन द ईयर 1921, उसके बाद क्या नहीं समझ में आ रहा बताइए, आंसर उसके नीचे का दिख ही रहा नहीं है, उसके नीचे तो वो कुछ लिखा ही नहीं, 1921 ही लिखा है सर, उसके नीचे की लाइन सर इकोनॉमिक एग्रीकल्चर पे बेस्ड, इकोनॉमिक वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, स्क्रिप्ट वाज नॉन रीडेबल, यूजुअली रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, लिखो इसको क्योंकि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना, स्क्रिप्ट वाज नॉन रीडेबल, यूजुअली रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, और किसी को प्रॉब्लम आ रही है? लिख लिया? यस सर। चलो आगे। यस सर। ओके। अभी सुने, जैसे आपका इंडिया है तो इस इंडिया को छोड़ दीजिए, पर डिक्लाइन हम लिख लेते हैं, लिखें रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, फटाफट लिखिए रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, सामने में लिखिए वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस,
सामने में लिखिए वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये एक्चुअल रीजन है, यही इसी पे आपको टिक मार्क करना है unless and until कि किसी इतिहासकार का नाम लेके ना दिया जाए। डिक्लाइन रीजन लिखे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग कारण थे। बट नेक्स्ट पॉइंट लिखे स्टार मार्क करके, अकॉर्डिंग टू जॉन मार्शल द रीजन वॉज फ्लड, बाढ़, एंड अकॉर्डिंग टू जॉन विलर्ड द रीजन वॉज आर्यन अटैक। द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दो अलग नाम मैंने नोट के रूप में आपको लिखा है, अगर नाम के साथ पूछा जाए तो उसी कारण को आप टिक मार्क करेंगे। जॉन विलर का नाम आपसे पूछा जाए तो आर्यन अटैक, जॉन मार्शल का नाम आपको पूछा जाए तो फ्लड वॉज द रीजन। ओके, यस यस बोलते जाओ, तो रफ्तार हमें रखना है। देखिए अभी जैसे आज आपका इंडिया है तो इस इंडिया का कुछ तो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन होगा कि नॉर्थ में हम हिमालय तक बात करते हैं, साउथ में, ये नॉर्थ है ना, ये तो डिजनी में पढ़ा होगा आपने, नॉर्थ साउथ है ना, ये कौन सा, ये क्या साइड है, ये वेस्ट, हाँ वेस्ट है, यस ओके, इसका मतलब रीजनिंग ठीक है। तो जैसे आपके इंडिया का ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हिमालय से लेके कन्याकुमारी, यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात कच्छ तक है, वैसे ही हड़प्पा का भी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन था, और आपसे पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पा इन साउथ रीजन कहाँ का था, तो आपको चार नाम बताता हूँ, ये चार नाम आपको याद करने पड़ेंगे। पहला जो नॉर्थ है वो नॉर्थ में कहाँ पे था, तो लिखे हैं रोपर, आर ओ पी ए आर, ये सब ऐतिहासिक नेम है, इस कारण से आपको भी नया लगेगा, तो लिखे रोपर। वेस्ट में सुक्ता गेंडोर, नया नाम है, मैंने भी पहली बार पढ़ा था तो मैंने भी बोला था क्या नाम है यार, दैमा बाद, और इधर लिखे ए एल ए एम आलम गिरपुर। रोपर किधर है, रोपर तो उस समय पंजाब में था, आलमगीरपुर किधर है उत्तर प्रदेश, सुक्ता गेंडोर कहाँ है तो उस समय ईरान आपके साथ था, ईरान, और दैमाबाद कहाँ पे तो महाराष्ट्र। तो ये एक्सपेंशन है, इसको लिख लीजिए, जनरली ये नाम पूछा जाएगा, लेकिन नाम के साथ साथ मैंने आपको जो बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस लेवल की, वो इस स्टेट को जरूर याद रखें, है ना, कि कौन सा स्टेट है, ये ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पा है। तो ऐसा ही फिगर बना के भी आप लिखेंगे कि ईस्ट एक्सपेंशन आलमगीरपुर तक था, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था, सुक्ता गेंडोर वेस्ट एक्सपेंशन ईरान तक था, दैमाबाद महाराष्ट्र, और इस दैमाबाद से जुड़ी हुई एक इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा का ये ब्रॉन्ज कैपिटल है, ब्रॉन्ज कैपिटल कहने का मतलब सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज अगर पूरे हड़प्पा में कहीं से मिलते थे तो ये आपके महाराष्ट्र में ही था ब्रॉन्ज कैपिटल, तो वो भी आप लिखे हैं दैमाबाद के साथ ब्रॉन्ज कैपिटल ऑफ हड़प्पा। ओके, कोई दिक्कत, ये बोलते ही नहीं है, दिक्कत है या नहीं? नो सर। अरे बोलो, डरते क्यों है यार, मेरे को ये नहीं समझ में आता है, डरने नहीं, टीचर के रूप में ना देखें, फ्रेंड के रूप में देखें कि फ्रेंड एक पढ़ा रहा है और दूसरा फ्रेंड पढ़ रहा है तो ही आप सीख पाइएगा, टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट पढ़ रहा है तो फिर ना आप पूछ पाइएगा ना मैं बता पाऊंगा आपको, ऐसे मत देखें, चलें आगे। Yes, sir. अभी आपको क्या जानना है, अभी आपको अलग अलग जो ट्रेड है, ट्रेड लाइफ कैसा था, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, जो रिलीजियस लाइफ स्ट्रक्चर था वो कैसा था, एक एक दो बात हम जानेंगे जो जनरली आपके अभी तक के एग्जाम से पूछा हुआ, सिर्फ उतनी ही बात हम जानेंगे, लेकिन एक्चुअल जो क्वेश्चन आपके हड़प्पा से पूछा जाता है वो आपके इस अलग अलग लाइफ के बाद आएंगे कि हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, धौलावीरा है, ये सब जो साइट है ये साइट कहाँ पे है, इस साइट की खोज कब और किसने की, और बेसिकली इस साइट से हमें कौन सा हिस्टोरिकल फैक्ट मिला,
हमें व्हीट कहाँ से मिला, हमें डाइस कहाँ से मिला, हमें व्हील कहाँ से मिला, हमें नटराज का जो आपने देखा है कांसे की नर्तकी उसका साक्ष्य कहाँ से मिला, पंचतंत्र की जो आप किताबें देखते हैं है ना बच्चों की किताबें उसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिला, यही क्वेश्चन आपसे हड़प्पा में अगर विशेषकर पूछे जाते हैं तो यही पूछे जाते हैं, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन पहले सोशल लाइफ देख लें, ट्रेड लाइफ देख लें आप, है ना, रिलीजियस लाइफ आप देख लें, एक एक दो बात हम देखेंगे उतना ही जितना आपके एग्जाम से पूछा गया है। पहला क्या देखना है, तो पहला देखना है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में पहले सुन लें फिर लिखने की कोशिश कीजिएगा। सोशल लाइफ में क्या था, तो पहली बात तो आप जानती ही हैं कि सोशल लाइफ जो सोशल स्ट्रक्चर था वो किस चीज पर आधारित था, तो मेल केंद्र बिंदु में नहीं था, जो सेंट्रल हमारी सत्ता घूम रही थी वो फीमेल के इर्द गिर्द घूम रही थी, तो फीमेल डोमिनेशन आपके सोशल स्ट्रक्चर में था। दूसरी बात आप जाने कि यहाँ पे जो ड्रेस था, जैसे आज हम ड्रेस पहनते हैं तो कॉटन का हो गया, सिल्क का हो गया, अलग अलग चीजों का पहनते हैं, तो उस समय जो लोग पहनते थे वो कॉटन का ही यूज करते थे, और कॉटन को जिस नाम से हम जानते हैं वो नाम किस चीज के रूप में, कॉटन आज के रूप में हम जानते हैं कि आज कॉटन था, लेकिन उस समय कॉटन को जिस नाम से हम जानते हैं ये नाम कम से कम एसएससी सीजीएल में इतनी बार पूछा है कि मेरे से पूछे मत कि सिंडोम क्या था। सिंडोम वॉज नथिंग एक्सेप्ट कॉटन विच वॉज अ यूजुअल ड्रेस ऑफ हड़प्पन पीपल। सोशल स्ट्रक्चर में आपको दो ही बात जानी है कि सोशल स्ट्रक्चर वॉज बेस्ड ऑन फीमेल एंड बेसिकली द पर्सन और द सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पन वियर द ड्रेस ऑफ कॉटन एंड कॉटन वॉज कॉल्ड एज सिंडोम। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखें सोशल स्ट्रक्चर में दो बातें, सोशल में दो बातें लिखें, फीमेल बेस्ड एंड ड्रेस ऑफ कॉटन एंड कॉटन वॉज कॉल्ड सिंडोम। सिंडोम है एम, आखिरी में एम है, कॉटन वॉज कॉल्ड सिंडोम। सिंडोम सिंडोम कुछ नहीं है, सिंडोम कॉटन है, कॉटन के ड्रेस हड़प्पन पहनते थे जिसको हमने सिंडोम का नाम दिया है। चलो आगे। Yes. अभी जाने की इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी आपकी, तो इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी ये भी संभवतः आप पहली बात जान ही गए हैं कि इकोनॉमी किस चीज पे आधारित था, सर्विस सेक्टर पे ना, एग्रीकल्चर से। हाँ, तो इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में बेसिकली कितने टाइप्स के क्रॉप्स का हमें फैक्ट मिला था, तो 9 टाइप्स ऑफ क्रॉप का हमें फैक्ट मिला था। इस 9 टाइप में सबसे जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स था वो क्या था, तो वो भी आप जाने को सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रॉप था वो वीट और बार्ली था। लेकिन जो वीट और बार्ली है उसको छोड़ के जो राइस है, राइस का जो फैक्ट है वो हड़प्पा के किस साइट से हमें मिला है वो भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लोथल। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइस का साक्ष हमें किस साइट से मिला था, तो लोथल से हमें राइस मिला। 9 टाइप्स के क्रॉप्स का साक्ष का फैक्ट हमें मिला था, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स थे वो हीट और वार्ली थे, जबकि राइस का साक्ष हमें लोथल जैसे प्लेस, ये लोथल एक प्लेस है, जैसे हड़प्पा एक जगह का नाम है वैसे लोथल भी एक जगह का नाम है, मोहनजोदड़ो भी एक जगह, मोहनजोदड़ो मूवी आई थी देखा था? यस सर, ऋतिक रोशन की। हाँ, वेरी गुड, ये तो बात अभी तक तुमको याद है, अभी अगले पार्ट पूछूंगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, और उस समय अगर राखल दास बनर्जी का नाम निकल के सामने नहीं आया तो फिर समझ जाओ। चलो आगे, तो लिखे इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, 9 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वॉज फाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप वेयर वीट एंड बार्ली, वेयर एज राइस वॉज फाउंडेड फ्रॉम लोथल। ठीक है, और अंत में जो मैंने लिखा है उसको नोट में लिखिएगा, लिखें फ्रॉम नोवेयर साइट ऑफ हड़प्पा काउ लायन एंड आयरन वॉज फाउंड, मतलब हड़प्पा के इतिहास में इन चीजों का वर्णन कहीं भी नहीं था स्पष्ट। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसमें से काउ दे देगा कि काउ वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल, बट आप जाने काउ एनिमल तो दूर की बात, कहीं से जिक्र ही नहीं है तो एनिमल का ही करेगा, लायन भी, लायन का भी जिक्र नहीं है, इसका आंसर लायन को भी हम मौन लेके चलते हैं, और पहले यहां पे बताया कि ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, इसका आंसर
लोहे का साक्ष्य आपको इकोनॉमी में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा, फ्रॉम नोवेयर साइट ऑफ हड़प्पा काउ लायन एंड आयरन वॉज फाउंड। ये अपवाद है और जो एक्सेप्शन रहते हैं वही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो लिखे ये बात एक्सेप्शन में, क्या मिला है वो इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन क्या नहीं मिला वो और भी इंपॉर्टेंट है। पूछिए पूछिए मेरे से, चलो आगे। यस सर, बोलो बोलो, और कोई बोल ही नहीं रहा है सर। ये उन लोगों को कैसे पता चला कि काउ लायन वगैरह वहां पे अवेलेबल नहीं थे, बाकी के फॉसिल्स मिले उन लोग को? कैसे पता चला होगा, इधर तो बोन मिले होंगे या फिर स्किन मिला होगा, तो ये तो इतिहास की बात है, ये छोड़ दीजिए कैसे पता चला नहीं पता चला, पता चला या नहीं, यस और नो, कैसे वो छोड़ दीजिए, वो इतिहास के गुरु बताएंगे कि हमें बोन कहां से मिला, हमें स्किन कहां से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉर्स का जो स्किन है वो कहां से, घोड़े का छाल है वो कहां से मिला, घोड़े की हड्डी कहां से मिला है? लेकिन जिसका नहीं मिला उसका नहीं मिला, सीधी सी बात, हमें इतिहास की फिर से खुदाई नहीं करनी है, हड़प्पा की खुदाई ऑलरेडी हो गई है, वो हमें रिमेम्बर करना है, अपने एग्जाम्स को पास करना है, काम खत्म। ओके, एंसर 9 क्रॉप्स है और यहाँ पे 3 क्रॉप्स आपने बताया है, तो बाकी के बाकी के हैं, बाकी के भी ग्राम हैं, पल्सेस हैं, लेकिन अननेसेसरी क्यों अपने कॉपी को बढ़ाना है, जितना लिखा है वो आज याद कीजिए, जो नोट्स में आपको अवेलेबल होगा वो बाद में याद कीजिए, यहाँ पे 9 क्रॉप्स के नाम लिखे हुए हैं, है कि नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर रहा हूं, जो लीस्ट इंपॉर्टेंस है जिसका लगभग कहीं आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, अदरवाइज हड़प्पा को जानने के लिए अगर झांस रिमाली जैसी बड़ी बुक आप ले लें तो हड़प्पा 40 पेजेस में लिखा हुआ है, उस 40 पेज को 4 पेज में हमें पढ़ना जैसे ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज क्या थे, अदरवाइज ग्राम थे, जो आपका पैडी है वो था, पल्सेज जो है वो थे, तो हो गए 8, ठीक है ना, बट उतना याद नहीं करना है। चले रिलीजियस लाइफ में हम चलते हैं, रिलीजियस लाइफ में जो पूजा, आज हम जो पूजा उपासना करते हैं किसकी करते हैं, तो जिसका जैसा फेथ, कोई ब्रह्मा का करता है, कोई विष्णु का, कोई महादेव का करता है, तो उस समय जो रिलीजियस लाइफ थी हमारी वो किस चीज की पूजा करती थी, तो आप जाने वो था मदर गॉडेस। क्यों मदर गॉडेस भाई, तो मातृदेवी, चूंकि महिलाओं का ही वर्चस्व था, इस कारण से पूजा भी हम मदर गॉडेस की ही करते थे, मदर गॉडेस वुड बी द फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन मदर गॉडेस के साथ भी हम एक सिंबल की पूजा करते थे, वो सिंबल थी कौन सी, तो स्वास्तिक। अब सही बनाया या गलत आई डोंट नो, बट जो स्वास्तिक का सिंबल है वो आपके हड़प्पा में आपको देखने को मिला है। साथ साथ एक और भी नाम आपको याद रखना है, दैट इज पशुपति महादेव। ये तीनों नाम आपको याद करना है। लेकिन आपसे अगर पूछ दिया जाए कि हड़प्पंस वेयर वर्शिपिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड, उसमें आपके पास पशुपति महादेव भी हो, स्वास्तिक सिंबल भी हो, मदर गॉडेस भी हो, आंसर सिर्फ और सिर्फ मदर गॉडेस पे ही आप लगाएंगे। मदर गॉडेस जैसे वीट एंड बार्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, वैसे ही मैक्सिमम लोग जो पूजा करते थे, जो उपासना करते थे, वो मदर गॉडेस की करते थे, फिर लिस्ट लोग स्वास्तिक सिंबल की करते होंगे एंड पशुपति महादेव की करते होंगे। तो इसी आधार पे भी आप लिखेंगे रिलीजियस लाइफ, उसके सामने लिखें वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद दैट स्वास्तिक एंड पशुपति महादेव वर्शिपिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्न इन हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो लिख लीजिए। अरे स्वास्तिक का सिंबल सही बना है या गलत बना है? गलत है, ठीक है, आप लोग सही बनाना। चलो आगे। यस सर, यस। उसके बाद आप जाने की ट्रेड लाइफ, जो हमारी ट्रेड है, जो हमारा व्यापार, क्योंकि व्यापार अगर नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम क्या कर पाएंगे, कैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ट्रेड लाइफ था वो किस चीज पे आधारित होगा, हम अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो किस चीज का करेंगे, तो हम तो उसी चीज का एक्सपोर्ट करेंगे जिस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, तो प्रोडक्शन हम किस चीज का ज्यादा करते थे, तो
एक ही चीज का हम प्रोडक्शन करते थे, वो क्या चीज थी प्रोडक्शन करने में, तो एग्रीकल्चर गुड्स था, तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स का ही हम क्या कर सकते हैं तो एक्सपोर्ट करेंगे। ये सब लॉजिक है। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा में ट्रेड किस चीज का होता था, तो फिर याद करने की जरूरत नहीं है, जिस चीज का हम प्रोडक्शन करेंगे उसी चीज का हम ट्रेड करेंगे। तो एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स थे उसका हम क्या करते थे तो एक्सपोर्ट करते थे, एग्रीकल्चर क्रॉप्स। जैसे आज हमारा ट्रेड रिलेशनशिप बहुत सारे ग्लोबलाइजेशन पे हम चल रहे हैं, तो बहुत सारे देशों के साथ हमारा एक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, वैसे ही यहाँ भी जो हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट था वो जिस जगह के साथ था वो कौन सा था, तो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ईरान एंड चाइना, ये चार जो थे वो चूंकि नियर बाय थे, उस समय बहुत ज्यादा जहाज वगैरह नहीं चलता था कि हम यूएस दुबई भेज सकते हैं, तो मेसोपोटामिया और ईरान एक साथ, इजिप्ट और चाइना के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे। बट हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में, हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में जो सबसे फेमस ट्रेड प्लेस था उसका नाम था दिलमन। जैसे आपने सिंडोम को याद किया है कि सिंडोम क्या है, तो सिंडोम हम कॉटन को कहते थे और वही कॉटन के ड्रेस हड़प्पन पहनते थे, वैसे ही दिलमन भी आप याद रखें कि दिलमन क्या है, तो दिलमन इज ए फेमस ट्रेड प्लेस बिटवीन हड़प्पा एंड मेसोपोटामिया, है ना, जहां पे माल जाता था इधर का उधर, उधर का इधर, वो दिलमन जगह थी। दिलमन चूंकि बीच में पड़ता था हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में, इस कारण से यहाँ पे, यहाँ से इंडिया में भी माल आ सकते थे और मेसोपोटामिया ईरान में भी माल जा सकते थे, तो दिलमन बहुत ज्यादा फेमस ट्रेड प्लेस है। जैसे आज हमारी करेंसी रुपया पे आधारित है, उस समय ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, और उस समय जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते थे वो जिस पे आधारित था वो था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जितने यूनिट का होता था, वो यूनिट कितने की थी तो 16 यूनिट में चलता था। जैसे अभी हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एक रुपया है, तो आपने आना का नाम सुना होगा, चार आना, आठ आना सुना है कि नहीं, अपने मम्मी पापा या ग्रैंडफादर लोगों से चार आना आठ आना, तो यही वो बार्टर सिस्टम है। बार्टर कहने का मतलब जिस वेट का गुड्स आप हमें देंगे उसी वेट का एक्सचेंज ऑफ गुड्स मैं आपको कर दूंगा। ऐसा नहीं कि उस समय कोई इंटरनेशनल करेंसी डॉलर या युआन दिरहम के रूप में थी, उस समय बार्टर सिस्टम है, पूरी की पूरी ट्रेड चलती थी बार्टर, कितने की यूनिट में होता था, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बार्टर मैक्सिमम 16 की यूनिट में होता था। 16 आना का मतलब एक रुपया आज जो हम कंसिडर करते हैं, चार आना 25 पैसा था, आठ आना 50 पैसा था, तो बार्टर सिस्टम पे आधारित आपकी ट्रेड थी। ये बार्टर का मैक्सिमम यूनिट 16 था। हड़प्पा का जो फेमस ट्रेड संबंध था, रिलेशनशिप था, वो मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ईरान और चाइना के साथ था। जो ट्रेड हम, जो गुड्स हम एक्सपोर्ट करते थे वो एग्रीकल्चर क्रॉप था। और हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में जो सबसे फेमस ट्रेड प्लेस था वो दिलमन था। इन चीजों का आप लिखें, पहली बात एक्सपोर्टेड गुड्स एग्रीकल्चरल, पहली बात लिखें ट्रेड लाइफ में एक्सपोर्टेड गुड्स एग्रीकल्चरल, एक्सपोर्टेड गुड्स एग्रीकल्चर क्रॉप्स लिख लें, एग्रीकल्चर क्रॉप्स। दूसरा लिखें ट्रेड रिलेशनशिप ऑफ हड़प्पन्स विथ, फटाफट लिखिए ट्रेड रिलेशनशिप ऑफ हड़प्पन वॉज विद मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ईरान एंड चाइना। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। जैसे हड़प्पा इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, वैसे मेसोपोटामिया वॉज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ईरान एंड चाइना। थर्ड पॉइंट नोट लिख के डालिए, नोट, दिलमन वॉज द फेमस ट्रेड प्लेस, दिलमन, DILMAN, दिलमन वॉज द फेमस ट्रेड प्लेस बिटवीन हड़प्पा एंड मेसोपोटामिया। दिलमन वॉज द फेमस ट्रेड प्लेस बिटवीन हड़प्पा एंड मेसोपोटामिया। और आखिरी बात लिखे एक्सचेंज ऑफ गुड्स वॉज बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स वॉज बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम विच वॉज इन 16 इन यूनिट, जो 16 की इकाई में चलती थी, विच वॉज इन 16 इन यूनिट। ठीक है, समझ में आया?
अभी सुने मैंने क्या क्या बोला है वो एक बार सुने, ध्यान से सुने, कॉपी को छोड़ दीजिए, मेरे को सिर्फ सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद हम आगे की हड़प्पा की जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको हम खत्म करेंगे। मैंने बोला कि हड़प्पा इंडिया की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जिसपे सबसे पहले जो फोकस था वो 1856 में जिस इंडिविजुअल ने डाला था उसका नाम था चार्ल्स मिंसन। C14 डेटिंग के आधार पे हमने ये बोला कि हड़प्पा की जो एज है वो 2350 BC से लेके 1750 BC तक की है। हड़प्पा एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा एक फीमेल बेस्ड फीमेल डोमिनेटेड सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थी वो रीडेबल नहीं थी, नॉन रीडेबल थी, जो जनरली लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा की जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, और हड़प्पा की जो डिक्लाइन जो अस्त होने के कारण थे वो बेसिकली वेरी कर रहे थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अकॉर्डिंग टू टू हिस्टोरियन। एक का नाम मार्शल था जिसने ये बोला कि हड़प्पा के विनाश का कारण बाढ़ है, दैट इज फ्लड, और विलर्ड ने ये बोला कि हड़प्पा के विनाश का कारण क्या है तो आर्यन अटैक है। उसके बाद बेसिकली छोटे छोटे टुकड़े पे हम आए, हमने बोला कि जो सोशल लाइफ है वो फीमेल पे आधारित थी, कॉटन के ड्रेस पहनते थे, कॉटन को जनरली हम वहां पे सिंड्रोम के नाम से जानते थे। ट्रेड जो थी वो बार्टर सिस्टम पर चलती थी, ट्रेड हमारा जो इंडिया का था मतलब हड़प्पा का था वो ईरान के साथ था, इजिप्ट के साथ था, मेसोपोटामिया के साथ था, चाइना के साथ था, बट दिलमन सबसे फेमस ट्रेड प्लेस आपके हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच का बहुत फेमस ट्रेड प्लेस था। जो एक्सपोर्ट हम करते थे वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स का हम एक्सपोर्ट करते थे। उसके बाद हमने बोला कि रिलीजियस जो लाइफ थी वो आपके मदर गॉडेस के इर्द गिर्द घूम रही थी, और मदर गॉडेस मातृ देवी की ही हम पूजा करते थे, बट अलोंग विथ मातृ देवी जो स्वस्तिक का सिंबल है और जो पशुपति महादेव है इसकी भी उपासना करने में लोग विश्वास रखते थे। इतनी बात मैंने अभी तक आपके साथ की है, आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। समझ में आया? Yes, अरे आया कि नींद लग गया? नहीं आया सर, समझ में आया। अभी मैं आपको अगर ये बोलूं कि अभी तक जितनी बात मैंने पढ़ाई है उसमें से एक भी अभी तक जितनी बात मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, कैसा लगेगा? सर थोड़ा ऐसा लगेगा ना कि नॉलेज मिल गया और कुछ नहीं लगेगा। सर कहेंगे सर फिर अगर पूछा ही नहीं जाएगा फिर टाइम पास क्यों कर दिया? ऐसे नहीं सर, आगे कोई पूछेगा तो बोल देंगे हमारे पास भी। अरे वेरी गुड, यस यही होना चाहिए। देखिए इतिहास जो है वो एक कंसेप्ट है, जब तक उस कंसेप्ट को नहीं बनाएंगे तब तक मैं सिर्फ पांच ही ऑब्जेक्टिव आपको बता दूं, फिर कंसेप्ट बनने वाला नहीं है, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि हड़प्पा क्या था भाई, कैसे बढ़ा, ये क्या हो गया, फिर वही पांच चीज आप जानेंगे जो मोस्ट रिपीटेड आपका क्वेश्चन है। अभी ध्यान से सुनिए, ये जो पार्ट आपके हड़प्पा का है जो अभी मैं आपके बोर्ड पर लिखने वाला हूं क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, स्पष्ट बोलता हूं। अगर पूछ लिया गया तो मेन पूछ लेगा कि इकोनॉमी किस चीज बेस्ड थी, या स्वस्तिक का सिंबल या मदर गॉडेस था कि नहीं, अदरवाइज मेन जो कंसर्न है हड़प्पा का वो यही है। वो क्या है तो जाने आप सुने, अभी लिखी है कोई भी नहीं, मेन कंसर्न क्या है तो हड़प्पा एक साइट है, उस साइट के साथ साथ और भी कौन से साइट है, तो मोहन जोदारो के बाद कौन सा है, तो कालीबंगा के बाद कौन सा है, तो लोथल के बाद कौन सा, तो बनावली। मेन ये पांच आपको जानना है, एक दो और भी हैं बट मेन आप यही पांच के नाम जानना है कि ये जो हड़प्पा है ये आखिर कौन से नदी के किनारे थी, ये सभ्यता कौन से नदी के सभ्यता है, तो बिना नदी के सभ्यता पनपेगी नहीं इस बात, अगर सभ्यता है तो बिना नदी के किनारे वो पनपेगी नहीं, है ना, क्योंकि पानी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सोर्स होता है जीने के लिए। इस कारण से हरेक ये जो साइट है ये सब जगह है, ये जगह कौन से नदी के किनारे है, अगर नदी है इसका मतलब किसी न किसी प्रांत में वो होगा, अगर प्रांत है इसका मतलब किसी न किसी देश में वो होगा, अगर वो देश है और ये नाम है इसका मतलब उसकी खोज किसी न किसी ने तो की होगी, और अगर खोज की होगी इसका मतलब किसी न किसी सदी में उसका खोज किया गया होगा, और अगर खोज किया गया है तो इन जगहों से कोई न कोई तो
हिस्टोरिकल फैक्ट आपको मिले होंगे। यही छह आधार पे हम इसको लेके बढ़ने वाले हैं कि ये साइट कौन से नदी किनारे, कौन से प्रांत में, कौन से देश में, खोज किसने किया, कौन से ईयर में किया और हमें वहां पे सोर्स क्या मिले हैं। आप अपने नोटबुक को, जो वर्टिकल अभी आपका नोटबुक है उसको हॉरिजॉन्टल कर लीजिए और जो छह कॉलम में बताता हूं उस छह कॉलम में आप फटाफट लाइन आप खींच लीजिए। एक में लिखिएगा, है ना, कॉपी को पहले हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, जो अभी लंबा लंबा है उसको आप तिरछा कर लीजिए। एक में लिखिए साइट, साइट आप इस क्रोनोलॉजी में लिखिएगा, ऐसे मैं अभी ऐसे लिखता हूं आप ऐसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखिए जैसे मैं ऊपर में मैंने लाइन किया है, उसमें लिखिए साइट के बाद लिखिए रिवर, रिवर के बाद लिखिए स्टेट, स्टेट के बाद लिखिए कंट्री, कंट्री के बाद लिखिए फाउंडर, फाउंडर के बाद लिखिए ईयर और ईयर के बाद लिखिए फैक्ट। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, सात कॉलम आप तैयार कीजिए। ऐसे कॉलम आप तैयार करेंगे, ऐसे ऐसा कॉलम तैयार कीजिए आप। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अरे हाँ या नहीं? यस सर, यस सर। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, अभी जान लें आप। चलो आगे, बना लिया आपने? यस सर। ओके, सबसे जो पहला साइट है वो वही होगा जो लगभग आपका टॉपिक ही है। कौन सा लिखिए? हड़प्पा। हड़प्पा, देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट छिपा हुआ है। हड़प्पा को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका मतलब जो रिवर होनी चाहिए थी वो इंडस होनी चाहिए, बट देखें मैंने आपके बोर्ड पे रिवर का नाम क्या लिखा है। मैंने दूर दूर तक इंडस का नाम, सिंधु का नाम नहीं लिखा है, मैंने रावी का नाम लिखा है क्योंकि हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो इंडस पे है, तो अभी आप रिवर लिखें रावी, स्टेट लिखें पंजाब, कंट्री कौन सा, पंजाब इंडिया वाला नहीं पाकिस्तान वाला, स्टेट पंजाब पाकिस्तान, फाउंडर का नाम ऑलरेडी आपने लिखा है दैट इज दया राम सहनी एंड माधव, लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, स्वरूप वत्स। ईयर ये भी आपने लिखा है 1921। क्या मिला हमें यहां से, हमें यहां से डाइस मिला, हमें यहां से व्हील मिला, चक्का, हमें यहां से चक्का भी मिला और जो छक्का है जो हम खेलते हैं पासा, तो उस समय बेसिकली इंटरटेनमेंट के लिए हम डाइस का भी यूज करते थे। उसके बाद स्टैंप जो हमारी पूरी हड़प्पा की, दिख रहा है क्या लिख रहा हूं, यस इतनी बात लिखे हैं। साइट का नाम लिखे हड़प्पा, रिवर रावी, स्टेट पंजाब, कंट्री पाकिस्तान, फाउंडर ऑलरेडी हमने लिखा दयाराम सहनी एंड माधव स्वरूप वत्स इन द ईयर 1921। और क्या साक्ष्य मिले तो लिखें डाइस व्हील स्टैम्प व्हीट एंड बार्ली, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स था आपका व्हीट एंड बार्ली, वो आप यहां पे लिखिए। समझ में आ रहा है? समझ में आएगा तो इतिहास बहुत अच्छा लगेगा। यस सर, थोड़ा सा साइड हो जाएगी ना वो? बिल्कुल, आप बोलिए तो मैं पूरा साइड हो जाता हूँ। चलो आगे,
जो नहीं समझ में आ रहा हो मेरे से पूछिए भी कि सर ये क्या लिखा, नहीं समझ में आया। समझे सर। ओके, शर्माइए मत, संकोच मत कीजिए, आपकी प्रॉब्लम मेरे को शेयर कीजिए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, या आपने बहुत तेज बोल दिया, या आपकी राइटिंग नहीं दिख रही है, जो भी है ना, या फिर से सर रिपीट कीजिए इस कंसेप्ट को, पूरी बात मैं करूंगा। बट कंसेप्ट आप में भी वैसा ही बिल्डअप होना चाहिए जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश बिल्कुल आसान से शब्दों में कर रहा हूं, आसान से शब्दों में आपको याद भी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, चॉइस आपको टिक मार करने हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपको बना के रखना है। चले मोहन जोदारो, मोहन जोदारो रिवर कौन सा है, तो ये रिवर है आपकी इंडस, सिंधु। स्टेट कौन सा है, तो सिंध। सिंध कौन से कंट्री में, तो पाकिस्तान। फाउंडर का नाम राखल दास बैनर्जी। ईयर एक साल के बाद 1922। क्या मिला हमें यहां पे, तो हमें यहां पे द ग्रेट बाथ हिंदी में हम इसे स्नानागार कहते हैं, और द ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेन मतलब अनाज के लिए ग्रेन का हम यूज करते हैं, ग्रेनरी, नहाने के लिए द ग्रेट बाथ, अन्न को क्रॉप्स को रखने के लिए द ग्रेट ग्रेनरी। बिगेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा, यहां पर लिख लीजिएगा बिगेस्ट साइट, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा साइट है बिगेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा। मोहनजोदारो इंडस नदी के किनारे है, सिंध प्रांत में है, सिंध पाकिस्तान में आज है। खोजकर्ता क्यों होने, फाउंडर कौन है, राखल दास बैनर्जी हैं। 1922, जैसे हड़प्पा 1921 का था, 1922 का है। हड़प्पा में जैसे डाइस व्हील वगैरह मिले थे, तो यहाँ पे द ग्रेट बाथ एंड ग्रेट गैनरे, और नोट में लिखिएगा दिस वॉज द बिगेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा, बिगेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा। क्षेत्रफल, आज मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में सबसे बड़ा जो राज है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल, अकॉर्डिंग टू एरिया, कौन सा है, आंसर क्या दीजिएगा, राजस्थान। राजस्थान है, मोहनजोदारो। सर, अरे आज के रेट में स्क्वायर किलोमीटर ना। हाँ, राजस्थान है ना सर। अच्छा, मुझे पता नहीं इसका, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। राजस्थान है सर, आज के टाइम पर राजस्थान है। अच्छा, ऐसा है क्या? यस, पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन जब 2000 ईस्वी में हमने मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाया, तो उस समय से राजस्थान वॉज द बिगेस्ट स्टेट एंड गोवा बिकम द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया स्क्वायर। चले ये डन, आगे चलो। Yes, sir. Okay. सर, आपने लिखा है the great bath then great greenery, G-R-A-I-N, grain जो अनाज के लिए हम यूज करते हैं, और उसमें E-R-Y लगा दें। Okay, sir. क्योंकि जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम करेंगे तो उसको रखने के लिए हमारे पास वेयर हाउस तो होने चाहिए ना, जैसे आज हमारे पास वेयर हाउस होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, है कि नहीं? हाँ सर. Yes, that is called great granary. तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो है कालीबंगा। जैसे आपने हड़प्पा को देखा, आपने मोहनजोदारो को देखा, वैसे तीसरा साइट आप जानिए, वो नाम है कालीबंगा। कालीबंगा नदी कौन सा है, घग्घर। स्टेट कौन सा है, घग्घर है। अच्छा, कंट्री बताता हूं, पर घग्घर स्टेट कौन सा है याद नहीं आ रहा है ठीक से, गंगानगर घग्घर राजस्थान का, यस राजस्थान। कंट्री आपकी इंडिया है। फाउंडर लिखे हैं बी लाल एंड बी के थापर, बी लाल एंड बी के थापर।
किस ईयर में, तो 1961 में क्या मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार फ्रिक्वेंट आस्क आपके रेलवे हो, एसएससी हो, पीसीएस लेवल तक के हो। कालीबंगा से हमें क्या मिला है, तो पहला मिला है अर्थक्वेक, भूकंप का साक्ष्य। दूसरा मिला है रॉ ब्रिक। रॉ ब्रिक कहने का मतलब जो ईंट आप आज देखते हैं वो कच्ची ईंट का साक्ष्य हमें वहीं से मिला है। तीसरा है प्लग फील्ड। प्लग फील्ड का मतलब खेती होती थी उसको जोते जाने का साक्ष्य हमें वहां से मिला है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थक्वेक, रॉ ब्रिक्स एंड प्लग फील्ड। ईयर 1961, बीबी लाल एंड बीके थापर, इंडिया, राजस्थान, घग्गर एंड कालीबंगा। लिखे इसे। कालीबंगा वो साइट है, घग्गर नदी किनारे हैं। 1961 में हमने इसकी खोज की, खोजकर्ता बीबी लाल एंड बीके थापर हैं। अर्थक्वेक, भूकंप का साक्ष्य हमें यहीं से मिला। खेती होती थी उसका जो जोते जाने का है, प्लग फील्ड का साक्ष्य हमें वहीं से मिला। और जो ईंटे हैं, ईंटे जैसे आज हम भट्टी में डाल के उसे पका देते हैं, लाल हो जाता है, तो उस समय आग का तो साक्ष्य हमें मिला नहीं था क्योंकि मैंने कहीं भी नहीं लिखा है फायर का साक्ष्य मिला, तो रॉ कच्चे ईंट का साक्ष्य हमें मिला है। सर आपने कंट्री में क्या लिखा है? कंट्री आपकी, आप कौन से कंट्री में हैं? स्विट्जरलैंड, इंडिया, आईएनडी। देखिए जिनकी आज पहली क्लास है और पुराने जो क्लासेस हैं वो मिस का आप कर गए हैं, तो यू हैव टू ऑप्शन। एक तो फोकस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप जाके उसे देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब में ही इसे आप सर्च करेंगे लर्न बियॉन्ड को, तो वहां पे जो मेरे द्वारा अपलोडेड 200 से भी ज्यादा वीडियो है उसको आप रेफर कर सकते हैं। दो ऑप्शन आपके पास है, दोनों में से कहीं भी जाके आप जो पुरानी वीडियो उसको रेफर आप कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी पहली क्लास है, कोई पूछ रहे थे ना मेरे से? यस सर। हाँ, तो आपको मैंने बता दिया है कि दो ऑप्शन आपके पास है, दोनों में से कहीं भी जाके आप रेफर कर सकते हैं। चलो आगे। अरे हाँ या नहीं, यहीं पर रहना है आज? हड़प्पा में ही चलना है? हड़प्पा की खुदाई करना है क्या? नहीं सर। हड़प्पा की खुदाई किसने किया? चलो बोलिए मैडम। वो बीके के आगे क्या लिखा है सर? बीबी लाल, बीबी लाल, एल ए एल, लो लाल पाल पाल वाला, याद है स्वदेशी आंदोलन 1905। सर बीके के आगे, बीके बीके के आगे लिखा है थापर, टी एच ए पी ई आर, थापर, बीबी लाल एंड बीके थापर, 1961। ओके, 1961 क्या मिला? भूकंप का साक्ष्य मिला, कच्चे ईंट का साक्ष्य हमें मिला, और जूते हुए खेत का साक्ष्य हमें वहां से मिला है। डन? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, बढ़ूं आगे? यस सर। फिर से बताऊंगा आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, फिर से उसको एडहेयर करूंगा मैं, बट अभी यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे से आप शेयर कर सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया मेरे को। चलो। यस सर। नो प्रॉब्लम सर, बस आप अपने गुण गाते रहो, हम छपाई करते रहते हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है, समझ रहा है। समझ रहा है ना? ठीक है। नेक्स्ट, लोथल। लोथल, लोथल जिस नदी के किनारे हो, नदी इंपॉर्टेंट है, नदी का नाम है भोगवा। लोथल भोगवा नदी कहां पे है? तो आज भी देखिए आपका जो पोर्ट है, कहां पे है पोर्ट? गुजरात। पोर्ट तो बहुत ज्यादा जगहों पे है, हल्दिया में है, मुंबई में है, वेस्ट बंगाल में है, बट गुजरात का जो पोर्ट है वो आज सबसे बड़ा पोर्ट है। तो लोथल
गुजरात, भोगवा रिवर, कंट्री कौन सी, तो आपकी कंट्री, खोज किसने किया, एस आर राव, कब किया, तो 1954, क्या मिला हमें यहां से, तो हमें यहां से डॉकयार्ड मिला, डॉकयार्ड का मतलब जो पोर्ट है, तो डॉकयार्ड भी लिख सकते हैं, पोर्ट भी लिख सकते हैं। और एक चीज मैंने बताया था, क्या बताया था, यहां से क्रॉप्स का साक्ष्य मिला था, कौन सी क्रॉप थी, राइस, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइस का साक्ष्य हमें यहीं से मिला, हमें यहां से इसका भी साक्ष्य मिला, अगर पोर्ट है इसका मतलब बोट भी होगा, तो हमें नाव का भी साक्ष्य यहां से मिला है, ये आप लिख ले, लोथल एकमात्र पोर्ट साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मोहनजोदड़ो को मैंने लिखा कि बिगेस्ट साइट, वो सही लोथल पे आप लिखे पोर्ट साइट, मतलब यहाँ यहीं से क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था, क्योंकि आप ऐसे भी जानते हैं कि ठीक है आज हमारे पास जो आपके हवाई जहाज है वो है, इस कारण से हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते थे, लेकिन उस समय ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, इस कारण से हम क्या करते थे, हम पोर्ट के माध्यम से, मतलब जो भी आपकी जहाज थी उसके माध्यम से एक्सपोर्ट करते थे, तो एकमात्र आपका पोर्ट साइट है वो है लोथल भोगवा गुजरात 1954 एस आर राव, बहुत इंपॉर्टेंट ये साइट है आपका। डन, एसआर राव का नाम लोथल के रूप से हम याद करेंगे, बीबी लाल, बीके थापर का नाम हम कालीबंगा के रूप से याद करेंगे, मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बैनर्जी ने किया था, और दयाराम सैनी और माधव स्वरूप बस ने हड़प्पा की खोज 1921 में की, मोहनजोदड़ो 1922 में किया गया, कालीबंगा 1961 में किया गया, लोथल 1954 में किया गया, और आखिरी में जिस साइट की हम बात करेंगे वो आपकी बनावली की होगी, जिसकी खोज आर एस बिस्ट ने 1973 में किया है। सबसे आखिरी पॉइंट मैं आपके आज के क्लास में लिखूंगा, उस साइट का नाम मैं लिखूंगा, उस साइट का खोज कब और किसने किया, और जो सीवेज सिस्टम है, सीवेज सिस्टम कहने का मतलब जो नाला है, जो आज आपका सीवेज नाला का साक्ष्य है वो हमें वहां से मिला है, तो साइट कौन सा, तो बनावली, बनावली नदी, फिर से घग्घर, स्टेट कौन सा, स्टेट उस समय भी लिखा था हमने राजस्थान, कंट्री कौन सी, तो आपकी इंडिया, खोजकर्ता किसने, तो आर एस बिस्ट, कब 1973, फैक्ट सीवेज सिस्टम, नाले के प्रबंध, इतनी ही बात लिखें, बस इतनी बात आप अगर हड़प्पा में जानते हैं तो आई होप कि काम तो आपका निकल जाएगा, लिखें बनावली, घग्गर नदी, राजस्थान, इंडिया, आर एस बिस्ट 1973, फैक्ट में सीवेज सिस्टम, फैक्ट में सीवेज सिस्टम। यस सर, डन, डन सर, डन, यस सर। ये है आपके एंशियंट हिस्ट्री की पहली क्लास जो हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के रूप में आपको बताया है, जितनी बार बताया है जिस गंभीरता के साथ मैंने आपको ईयर बताया है, फैक्ट बताया है, नदी का नाम बताया है, कंट्री का नाम बताया है, क्या साक्ष्य मिले, कैसे साक्ष्य मिले, उसी क्रोनोलॉजी से आपको याद करनी पड़ेगी, है ना, इसमें कोई दिक्कत किसी को आई होप की नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप अगर ल्यूसेंट को आप निकाल लें, ल्यूसेंट को जनरली जब भी हम जनरल स्टडी को पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो एक छोटी और अच्छी सी बुक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब बुक है, ल्यूसेंट अच्छी बुक है, लेकिन उसको पढ़ के आपको समझ में नहीं आता कि ये हड़प्पा आखिर है क्या, तो अगर एक्चुअल में पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हैं, एमपीएससी या यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी को रेफर कीजिए, या फिर झा सिरमाली को, झा एंड सिरमाली द राइटर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, उसको रेफर कीजिए, अगर आप रेलवे और एसएससी जैसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यू प्लीज गो थ्रू विद ल्यूसेंट ओनली, ल्यूसेंट इज सफिशियंट फॉर रेलवे एंड एसएससी,
बट कंसेप्ट जब तक आप यहाँ पे नहीं समझेंगे तब तक लूसेंट में क्या लिखा के आ रहा है, कैसे यहाँ पे आ गया, वो समझ में नहीं आएगा। तो आज के बाद आप किसी भी रेफरल बुक को आप खोलिएगा तो आपको ये तो मालूम चल जाएगा कि ये क्या है, है ना। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, अदरवाइज मैं एक बार रिपीट करूंगा और आज की क्लास को आपके साथ खत्म करूंगा। अभी बताइए आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो मैं वन बाय वन के क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। बताइए सर, क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस वाला है। बोलो, पहले बोलो उसके बाद देखता हूँ बोल सकता हूँ कि नहीं। सर अभी ये जो फॉसिल्स वगैरह ये सब मिलते हैं तो उनका एग्जैक्टली पता कैसे चलता है कि ये इतने साल पुराने रह सकते हैं? वही तो बताया ना मैंने, C14 कार्बन के थ्रू, कार्बन डेटिंग के आधार पे ही हम किसी भी निर्जीव जो भी गुड्स है उसका हम एज निर्धारण कर सकते हैं कि कितने साल पुराना है, कितने सदी पुराना है, 500 साल पुराना है या 2000 साल पुराना है, है कि नहीं। वो तो साइंटिफिक आपका एक टूल है जिसके आधार पर हम ये काम करते हैं। ठीक है, मैंने सेकंड पार्ट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री आज की जो हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या बताया मैं बता देता हूँ। मैंने आपको 5 साइट के नाम बताए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल एंड बनावली का नाम बताया है, है ना। कब कब खोज किया तो एक बार अपने नोटबुक से आप उस ईयर को मिला लीजिए। मैंने बोला कि हड़प्पा 1921, मोहनजोदड़ो 1922, कालीबंगा 1961, लोथल 1954 एंड 1973, बनावली। ये 5 आपके क्रमबद्ध लोथल से हड़प्पा से लेके बनावली तक की ईयर है। जिसने इसने खोज की वो एक बार आप वहां से मिला लीजिए। मैंने बोला कि हड़प्पा की खोज किसने की तो दयाराम सहनी एंड माधव स्वरूप बस ने की। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बैनर्जी ने की। बीबी लाल एंड बीके थापड़ ने आपके कालीबंगा की खोज की। ऐसा राव ने आपके लोथल की खोज की और आरएस बिस्ट ने आपके बनावली की खोज की है। क्या मिले एक बार आप अपने नोट से मैच कर लीजिए। मैंने बताया व्हील और डाइस, ये 2 इंपॉर्टेंट आपके हड़प्पा से मिले हैं। द ग्रेट बाथ एंड द ग्रेट ग्रेनरे आपके मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और जो अर्थक्वेक है या फिर आपका क्या है तो रॉ ब्रिक्स है, या एक और मैंने बताया है प्लग फील्ड है, ये कालीबंगा से मिला है। पोर्ट हो, डॉक यार्ड हो या राइस हो, ये आपको लोथल से मिला है। और जो सिविल सिस्टम है ये आपको बनावली से मिला है। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। टैली कर रहे हैं या फिर हवा हवा में ही पढ़ रहे हैं? नहीं सर, टैली कर रहे हैं। टैली कर रहे हैं सर। टैली हो रहा है ना? ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये कब याद होगा आपको जब मैं बोलूं कि ठीक है कोई बताओ और बिना देखे, ऐसे कब बता सकते हैं आप लोग? 5 साल और एक दो बार पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा सर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर तक हो जाएगा। देखिए उसके लिए प्रो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, है ना। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि इन चीजों को मैं क्रमबद्ध ऐसा बोलूं, फ्रेंड के साथ आप बोलिएगा तो ही आप उस चीज को फिर से क्या कर सकते हैं तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए पहले याद करने का। ये मत कोशिश कीजिए कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप बोले, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, है ना। लेकिन कोशिश कीजिए जैसा मैंने आपको बता दिया है, जो लिखा दिया है, जो मैंने आपके बोर्ड पर लिखा, जिस इंपॉर्टेंस लाइन के साथ मैंने टिक मार्क किया, जिस गंभीरता के साथ मैंने आपको वो फैक्ट बताया है, उस चीजों को उसी दौर से आप लेके चलेंगे तो आई होप कि एंशियंट हिस्ट्री में कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसी भी एग्जामिनेशन में तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो आई होप कि आज की जो क्लास है वो यहीं पे मुझे छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्लास हम इसके आगे ही क्लास में वैदिक सिविलाइजेशन की बात करेंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन को खत्म करने के बाद, क्योंकि तो हमने ऑलरेडी हड़प्पा को वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस के रीजन के आधार पर खत्म किया। 2 इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन का नाम मैंने आपके साथ जरूर शेयर किया है, एक व्हीलर और दूसरा मार्शल, मार्शल फ्लड और व्हीलर आर इन अटैक के रूप में। क्लियर? यस सर। तो क्या समाप्त करूं? कुछ किसी को पूछना तो नहीं कुछ भी? नो सर। सर 7 o'clock को बैंकिंग का लेक्चर है ना? बिल्कुल है। पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? सर वही पूछ रहा हूँ क्योंकि उसमें भी कुछ बुक का ही हो रहा था। देखिए सर आपने एक बुक बोले थे ना 2। ओके ठीक है, वो 7 बजे की क्लास में बात करते हैं, बैंकिंग क्लास में उसकी हम बात करते हैं। ठीक है ओके, चलेगा सर, चलेगा। ओके ओके सर, ये जो आपने बताया ये मतलब कि बैंकिंग के एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं ना? नहीं, बैंकिंग एग्जाम नहीं पूछे जाते, स्पष्ट बता दूं। अच्छा, ये जो मैंने अभी पढ़ाया है ये आपके बैंकिंग के जो कॉन्सेप्ट है उसका कोई भी दूर दूर तक वास्ता नहीं रिलेट करता है। ओके, बैंकिंग क्लास 7 बजे है, वहाँ पे हम मिलेंगे। अच्छा सर, ठीक है, समझा। ओके सर, ये लेक्चर भी अच्छे नॉलेज हो जाती है इससे। ओके